बैक टू माई चैनल। मैं आपकी दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रियल ब्राइड पर आई मेकअप को कैसे करें। तो ये देखिए मेरी रियल ब्राइड है और इनके पे मैंने आई मेकअप आप लोगों को बताना है। तो इस पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई कंसीलर ले लेना है, उसके बाद आपको लगाना है उनकी आईज़ की लीड पे। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई कलर इनकी आंखों पे लगाएंगे तो वो इनहेंस होगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा। इस तरीके से आपको पूरे आई लिड पे, पूरे आँख पर आपको इस तरीके से लगा लेना है। और अगर आपको शार्प लुक चाहिए, मतलब थोड़ा सा फिनिशिंग वाला, तो इस तरीके से जैसे मैं साइड साइड पे लगाई हूँ ना सेलो टेप, इस तरीके से आप लगा लो। इससे क्या होगा कि आपको बाद में वो क्लीन नहीं करना पड़ेगा बाद में, और शार्प नहीं देना पड़ेगा। और जैसे कि किसी किसी को स्मोकी थोड़ा सा मैट मैट लुक चाहिए होता है, तो वो लोग ना लगाएं तो ही अच्छा है। बट अगर आपको शार्प लुक चाहिए तो आप इस तरीके से सेलो टेप लगा लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने PSC का यूज़ किया है, ब्यूटी ब्लेंडर, मिनी ब्यूटी ब्लेंडर। इससे आपको इसको आपको पहले गीला करना है, मतलब कि डैम थोड़ा सा गीला रहेगा तभी आपका वो अच्छा यूज़ में आएगा। उसके बाद उसी ब्लेंडर से मैंने यहाँ पर देखे फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट यूज़ किया हुआ है। इससे क्या होगा कि ये उस पर कवर हो जाएगा उसका कंसीलर, और उसके बाद आपको मेकअप करना है आई का। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने यूज़ किया है यू कैन बी का आई पैलेट, उसमें से मैंने लाइट ऑरेंज कलर लिया हुआ है आई बेस बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, और मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ BSMAL का, काफ़ी अच्छा है। आप भी अगर अफोर्डेबल में ब्रश खोज रहे हो तो आप BSMAL का ब्रश खरीदो, आपको काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे आई मेकअप का यूज़ बताया है कैसे करें और किस ब्रश से करें और कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, मैंने सारे डिटेल्स में बताए हैं, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फिर देखिए मैंने दोनों मैं आँख पे जब मेकअप करती हूँ तो मैं दोनों साथ में करते हुए जाती हूँ। जब किसी स्टूडेंट को अगर सिखाना था तो मैं सिर्फ सिंगल आई पे बताती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे आँख पे बोलती हूँ आप खुद से करो। लेकिन ये मेरी रियल ब्राइड है तो इसलिए मैंने इनके दोनों आँख पे करते हुए मेकअप किया है। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने यूज़ किया चेरी रेड, इनका लहंगा था डार्क पिंक में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उससे मिलता जुलता लुक दूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेरी रेड यूज़ किया हुआ है। और इस तरीके से बेस बनाने के बाद उसको मैंने यहाँ पे नीचे उससे क्रिएट किया है। और इस तरीके से देखिए आपको ब्रश यूज़ करना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्लेंड होगा। और यहाँ पर सारा गेम देखिए ब्लेंडिंग का है, अगर आप जितना अच्छा ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छा आपका आई मेकअप होगा। अब ये नहीं कि आप बस कलर लगाकर छोड़ दिया उसके बाद फिर आप दूसरा कलर उस पर डाल दो फिर दूसरा कलर, तो वो मेकअप अच्छा नहीं लगेगा और वो प्रोफेशनल नहीं दिखेगा। आपको अगर प्रोफेशनल की तरह मेकअप करना है आई मेकअप तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंडिंग करना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे कितना ब्लेंडिंग किया हुआ है, या तो मैंने स्पीड में भी आप लोग को दिखाया हुआ है क्योंकि ब्यूटी काफ़ी वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती, बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में डाल दिया है ताकि आप लोग बोर भी ना हो और जल्दी जल्दी आप लोग आई मेकअप भी सीख लो। तो इस तरीके से आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद देखिए आप मैंने BSMAL का ये ब्रश यूज़ किया हुआ है, फ्लैट ब्रश यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक शेडो लिया है थोड़ा सा डिप दिखाने के लिए, आउट वी कॉर्नर में मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया हुआ है और इसको वी शेप में आपको बनाना है। तो देखिए इस तरीके से अब दोनों आई में डिफरेंस आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। इधर थोड़ा सा ब्लैक डालने पे वहाँ पे थोड़ा सा डिफ्ट आ गया है और काफ़ी अच्छी लग रही है आँख। तो इस तरीके से मैं जितनी भी ब्राइडल लुक में देती हूँ अपनी आई का, अपनी ब्राइडल में जितने भी आई मेकअप मैं करती हूँ उसमें मैं ब्लैक कलर जरूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लैक कलर आउट वी कॉर्नर पर। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कट क्रीज बनाना स्टार्ट किया है। तो हाफ़ कट क्रीज बनाने से थोड़ा क्या होता है कि जो कलर हम लोग यूज़ करेंगे ना तो वो थोड़ा सा उभर के आता है, थोड़ा सा हाईलाइट होता है। तो इनर कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे देखिए हाफ़ कट क्रीज बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने ब्रश छोटा वाला यूज़ किया है, ये ओरिफ्लेम का ब्रश है। तो इसको एकदम जो मिनी वाला ब्रश होता है ना उससे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी का ये ब्रश यूज़ करो, अगर आपके हाथ में कला है आपके अंदर हुनर है तो आप किसी भी ब्रश से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए आपको क्रीज बनाना है, और जिस कंसीलर से देखिए मैंने इसी कंसीलर से वो बनाया हुआ था इनके पे बेस आई पे, तो इसी से फिर मैं यहाँ पर कट क्रीज कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग कंसीलर यूज़ करो, आप कोई भी कंसीलर लेकर के यूज़ कर सकती हो। काफ़ी कंसीलर आते हैं मार्केट में, जैसे कि स्विस ब्यूटी का है, लोरियल का है, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड के, फॉरवर्ड 52 के हैं, सॉफ्रिल के हैं, टार्ट के हैं। तो यहाँ पे मैंने फिजिस कनाडा का यूज़ किया हुआ था, ये पैलेट कंसीलर पैलेट, उसमें से मैंने ये शेड लिया है FC का। मुझे एक कलर पैलेट बहुत अच्छा लगता है, कलर करेक्टर पैलेट, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। कंटूरिंग का भी उसमें यूज़ होता है, कलर करेक्टर का भी यूज़ होता है और कंसीलर का भी यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे क्रीज लगभग बन के रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने वही PSC का ब्लेंडर यूज़ किया हुआ है मिनी वाला, उससे आपको ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करने के बाद उसको फिर आपको अच्छे से
अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। और ब्लेंड करने के बाद और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप ब्यूटी ब्लेंडर आपका है वो तो हल्का गीला रहना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे मर्ज करना है इसको, तो यहाँ पे मैं इसको क्रीज को और जो लाइट पिंक वाला कलर था उन दोनों को मर्ज कर रही हूँ वही वाला कलर लेकर के, क्योंकि वो अलग से जो लाइन दिखती है ना वो अच्छी नहीं लगती है। तो आपको ध्यान देना है आपको उसको क्या करना है, कलर जो आपने यूज़ किया हुआ पहले उसको ले करके हल्का सा ब्रश में और उसको फिर उससे ब्लेंड कर लेना है। तो मैंने सेम ब्रश वही यूज़ किया हुआ है जो मैंने यूज़ किया था ब्लैक कलर के लिए। फिर अब यहाँ पे देखिए मैंने उसी यू कैन बी पैलेट से यूज़ किया हुआ है ये कलर, गोल्डन कलर है जो पूरा गोल्डन नहीं है, थोड़ा न्यूड शेड में है। इसके बाद मैंने इस पर हल्का सेमली शेड में था, उसके बाद मैंने जहाँ पे क्रीज बनाया हुआ था उस पर मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ओरी फ्लेम का ग्लिटर, ग्लिटर नहीं है सिमर पाउडर आप समझो। अच्छा तो यहाँ पे मैंने आईब्रो के इस आईब्रो बोन पे हाईलाइट किया उसी सेट से। फिर देखिए यहाँ पे मैंने ओरी फ्लेम का लिया हुआ था दीवन का गोल्डन सिमर पाउडर, उसके बाद मैंने उस पर जहाँ पे बीच का होता है आँख का पार्ट उस पर मैंने यहाँ पे लगा दिया है गोल्डन कलर। अब इसे थोड़ा सा लुक और अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो। बस आप वीडियो लास्ट तक देखो आपको समझ में आएगा मैंने इसमें सारे प्रोडक्ट के नॉलेज दिए हैं। और एक बात और, हाँ मैंने लास्ट में मैंने इन्हें लेंस लगाना था और मैंने लेंस लगाना भूल गया था इनके आँख पे, तो मैं क्या की थी कि आई मेकअप करने के बाद मैंने लेंस लगाया है। आप देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको लेंस पहले लगा करके ही मेकअप करना है, आप बाद में भी लगा सकते हो, बस आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से फिर मैं यहाँ पर ब्लेंड की हूँ जो थोड़ा बहुत इधर उधर ग्लिटर हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर फॉरएवर 52 का स्टार डस्ट, इसका शेड है गोल्डन ग्लोब ऐसे करके कुछ है, क्या गोल्ड ग्लोब करके है मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम, बस मुझे इतना याद है फॉरएवर 52 का स्टार डस्ट है और गोल्डन शेड में है ग्लोबल गोल्ड करके है शायद, क्या आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए दोनों आँख पे ग्लिटर लगा लिया, और आपको इंडेक्स फिंगर यूज़ करना है, मतलब कि जो रिंग फिंगर हम लोग की होती है उसको यूज़ करना है, क्योंकि इसमें जो हम लोग के जो पांचों फिंगर होते हैं सबसे हल्का जान इसी फिंगर में होता है, इसलिए हम लोग इस फिंगर का यूज़ करते हैं आईज पे मेकअप करते वक्त, ताकि भार भी ना लगे और अच्छे से वो ब्लेंड भी हो जाए। तो आपको इसका यूज़ करना है, सब लोग जानते थे कि इसका यूज़ करना है पर क्यों करते हैं ये कोई नहीं बताता, तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि पाँचों उंगली में सबसे भार कम इसी उंगली में होता है इसलिए इसका यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कर्लर, आईलेस कर्लर, फिर मैं यहाँ पे आईलेस कर्ल करूँगी। और आपको क्लाइंट को मेक श्योर करना है कि वो बीच में देखे, ना ज़्यादा ऊपर देखे ना ज़्यादा नीचे देखे, तब आपका वो आईलेस कर्लर आईलेस कर्ल बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इनको मैंने बीच में दिखाया था और बोला कि ज़्यादा ऊपर ना देखें ज़्यादा नीचे ना देखें, उसके बाद आईलेस को हमने कर्ल कर लिया। बहुत ही ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की चाहिए होती है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हो ज़्यादा अच्छा से प्रैक्टिस करोगे तो उतने अच्छे से होगा। फिर देखिए मैंने यहाँ पर लेंस ट्राई किया, काफ़ी मुश्किल के बाद लगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बट लग गया, और इन्होंने लेंस पहली बार वियर किया था तो इसलिए इनको और थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट इस तरीके से देखिए आपको लगा के और थोड़ी देर आंखें बंद करवा देनी है। तो इन्हें मैंने लेंस वेयर करवा दिया, उसके बाद मैंने बोला थोड़ी देर रुक जाओ, तो फिर देखिए यहाँ पे पानी आ रहा था तो मैंने इसको कॉटन से उसको रिमूव किया कि आँखों के पानी को। इस तरीके से आपको ईयरबड्स आपके पास रखना ज़रूरी होता है क्योंकि इसका यूज़ बहुत अच्छे से होता है और मेकअप में बहुत ही काम आता है। फिर देखिए मैंने दूसरी आँख में भी लेंस वेयर करवा दिया और इनसे बोल रहा था कि इधर उधर देखो थोड़ा बहुत मेरी इधर उधर जुबान फिसल जा रही है तो उस पर आप लोग कमेंट मत करिएगा, बोल रही थी सॉरी। तो फिर यहाँ पे देखिए जो पानी आ रहा था मैंने इसको पोंछ लिया, और उसके बाद आपको रिमूव कर लेना है कॉटन से बहुत अच्छे से, पूरा नीचे जो ग्लिटर वगैरह गिरा हुआ था ना उसको मैंने रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट का जेल आईलाइनर, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जेल आईलाइनर, ब्लैक कलर का था, और इसको यूज़ करना इतना अच्छा है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत एकदम ऑसम है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया है पतला वाला ब्रश लाइनर वाला उसी बी एस माल वाले ब्रश प्रोडक्ट से। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया धीरे धीरे जेल आईलाइनर, और मैंने यहाँ पे कोई स्टार्क लुक नहीं दिया है, मैंने जो ब्लैक शेड आउट वी कॉर्नर में दिया था उसी से मैंने उसे मर्ज कर दिया। तो देखिए इनकी आंखों में फिर से पानी आ रहा था तो मैंने ईयरबड्स का यूज़ किया, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ईयरबड्स अपने पास आप रखो, उसका यूज़ बहुत आता है मेकअप में।
फिर आपको इधर दूसरी आँख पे लगा लेना है और आपको दोनों मेकअप साथ साथ आई का करते हुए जाना है। ऐसे क्या होगा ना कि आप भूलोगे नहीं, और कौन सा प्रोडक्ट कब लगाना है कोई कोई कन्फ्यूज जाता है कि क्या मैंने लगाया था, इसलिए आप लोग को दोनों आँखों पे आई मेकअप साथ में करते हुए जाना है। तो मैंने इनका फुल वीडियो बनाया हुआ था, मतलब मेकअप का भी। तो मैंने ये फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आई मेकअप का ही डाला हुआ है। अगर आपको फुल फेस का मेकअप चाहिए पूरा ट्यूटोरियल, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं ज़रूर वीडियो इनकी डालूँगी फेस का भी। ये मेरी ब्राइड थी फरवरी की थी, तब से मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। मैं फिर टाइम नहीं मिल रहा था इधर वेडिंग सीजन में, तो मैंने वीडियो नहीं डाल पाई थी। फिर देखिए मैंने यहाँ पे आई मैजिक का आई लेस यूज़ किया हुआ है। और फिर आपको देखिए इस तरीके से आपको देखना है आईज़ पे करके कि साइज़, क्योंकि छोटी बड़ी होती है, ये नहीं कि जो साइज़ है वो आप ही को लगा देना है उस पर। फिर मैंने PSC का ग्लू यूज़ किया हुआ था, मैंने उसको कैमरे पे नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं उस समय काफ़ी भीड़ थी और मैं भूल जा रही थी कि मतलब मुझे, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे इसमें प्रोडक्ट दिखाना है, बट मैं नाम बता दे रही हूँ। PSC का ग्लू आप यूज़ करो, बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट मैंने यूज़ किया हुआ था, ब्लैक नहीं यूज़ किया है। फिर उसको जब आईलेस मैंने लगा दिया तो ऊपर ऊपर जो ग्लू दिखते हैं ना उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा है ये लाइनर, और जो मैंने ग्लू बताया PSC का ग्लू एकदम ऑसम है। वो अगर आप एक बार लगा दिए तो फिर वो आईलेस निकलने वाला नहीं है जब तक कि वो खुद से ना निकाले। फिर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है आईब्रो डिफाइनर, कौन सा यूज़ किया था मुझे याद नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड 52 का ही था। उसको मैंने यूज़ किया है आईब्रो डिफाइन करने के लिए। उसका पैलेट आता है उसमें ब्राउन और ब्लैक दोनों होते हैं, मैंने यहाँ पे ब्राउन यूज़ किया हुआ है। और आपको इतना देखना है कि मतलब बहुत डार्क डार्क नहीं लगाना है, क्योंकि आपको रियल ब्राइट पे मेकअप जब कर रहे हो तो आपको केयर करना है कि मतलब अगर आप क्रिएटिव लुक दे रहे हो, कुछ ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हो तो ठीक है डार्क कर दो, बट अगर नेचुरल रख रहे हो, थोड़ा सा लाइट रखना है, तो आप बहुत डार्क आईब्रो मत करो। और ख़ास तौर से जब जो हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कर रही हूँ यहाँ पे, आपको बहुत ही हल्का रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब लोग डार्क कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ख़राब लगता है। फिर देखिए मैंने वहाँ मिरर में इनका देखा दोनों शेप मिला करके सही है कि नहीं, फिर मैंने दोनों शेप को मिला करके एक बराबर किया और आईब्रो डिफाइन हो गया। फिर देखिए लोअर लैश लाइन का मेकअप मैं फुल मेकअप करने के बाद दिखा रही हूँ। फुल मेकअप का मैंने यहाँ पे क्रॉप कर दिया था। अगर आपको चाहिए वीडियो फुल मेकअप का तो प्रोडक्ट के साथ, तो मैं वीडियो जरूर डालूँगी, आप लोग कमेंट जरूर करना। यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है Glam 21 का वाइट काजल, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने खुद पर्सनल भी यूज़ करती हूँ इसे। तो ये इसको आपको लगा लेना है, और नीचे आपको पहले लूज़ पाउडर लगा लेना है, ट्रांसलूसेंट पाउडर या बनाना पाउडर कोई भी आप यूज़ करो। लोअर लैश लाइन जब मेकअप करो तो आपको वो पाउडर ज़रूर लगाना है, उसके बाद आई मेकअप करना है लोअर लैश लाइन का। तो फिर उसके बाद देखिए काजल लगाने के बाद मैंने लोअर लैश लाइन पे जो मैंने साइडों ऊपर पिंक कलर लगाया हुआ है वही सेट मैंने नीचे भी लगा रही हूँ। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आई लुक और ही भी प्यारा दिखेगा। लोअर लैश लाइन मेकअप करना आपको भूलना नहीं है, ज़रूर से करना है। इससे क्या होगा कि मेकअप आपका अधूरा अधूरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर लोअर लैश लाइन का मेकअप नहीं होता है तो मेकअप हमारा अधूरा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक और पिंक वाले शेड को मिला करके लोअर लैश लाइन मेकअप कम्प्लीट किया है और वाइट काजल लगाया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी वही सेम जेल आई लाइनर इंगलॉट का, उससे अब उसको लगाने के बाद आप देखिएगा आई लुक का एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम प्यारा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, और आपको ध्यान देना है जो वाइट काजल हमने लगाए हैं उसके जस्ट नीचे लगाना, ये नहीं कि वाटर लाइन में आप जहाँ पे लगाए हो वाइट काजल वहीं पे लगाना है। तो देखिए मैंने उसके जस्ट नीचे नीचे इस तरीके से, और पूरा हाफ लगाई हूँ मैं, पूरा इनर तक नहीं लगाई हूँ, देख रहे हैं आप लोग, मैं हाफ हाफ लगाई हूँ। हाफ लगाने से क्या होता है ना कि थोड़ी आँखें बड़ी दिखती हैं और अच्छी दिखती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हो चुका है मेकअप, लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, बट आप लास्ट तक देखो क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती हैं, जैसे ये देखिए आईलेस पे जो होते हैं लग जाते हैं ना फाउंडेशन पाउडर ये सब, तो उसको आपको इस तरीके से ब्लैक साइडो ब्रश में लेना और इस तरीके से आपको झाड़ना है। तो उससे क्या होगा ना कि ये कलर भी उस पर लग जाएंगे ब्लैक वाले, और जो उस पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हट भी जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने हटा दिया। फिर लगाया मस्करा, मस्करा में मैंने कौन सा यूज़ किया हुआ था, मस्करा मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है मेबलिन का मस्कारा, मुझे अच्छा लगता है। अब यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगा लिया दोनों में, इनके लोअर लैश लाइन पे बिल्कुल भी लैसेज नहीं थे, फिर भी थोड़े बहुत मस्कारा लगाने के बाद दिखने लगे थे, विजिबल हो गए थे। फिर आपको लूज पाउडर हटा लेना है। यहाँ पे मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया हुआ था, कौन सा यूज़ किया हुआ है,
आवर ग्लास का है क्या शायद। उसके बाद बिंदी लगाई है मैंने, बिंदी लगा के लुक को कंप्लीट किया है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है हमारी ब्राइड। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।